वेलकम फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ डिजीमेंटो में, और जहाँ हम आज डिस्कस करेंगे वर्ण विचार के बारे में। ठीक है, और यह हमारा हिंदी सीरीज़ का सेकंड लेक्चर है, और इसमें हम वर्ण विचार डिस्कस करेंगे, वर्णों के बारे में समझेंगे कि वर्ण किस प्रकार से हैं, क्या क्या उनमें होता है, बहुत सी चीज़ें वर्ण में सब कुछ समझेंगे, और कोशिश करूँगा कि वर्ण के बारे में जितनी भी नॉलेज है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पहली बात बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली, ठीक है, वो मैं आपको उपलब्ध करा सकूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए डिजीमेंटो चैनल को, जिससे कि आपको हमारी इजीली वीडियो प्रोवाइड हो सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना करें, क्योंकि हर वीडियो कुछ ना कुछ काम की है। और ये मैं आपको बताऊँगा कि बहुत से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनमें हमारे द्वारा पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम सबसे पहले समझेंगे शब्द को वर्ण। ये वर्ण जो है ये क्या शब्द है, इसको समझते हैं पहले। वर्ण, वर्ण को हम एक और चीज बोलते हैं, उसका नाम है क्या, अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट भी इसको बोलते हैं हम लोग। तो अल्फाबेट लिखना, तो वैसे चलिए मैं लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक, अब देखिए अल्फाबेट यानी कि वर्ण, और हम यहाँ अल्फाबेट अल्फाबेट छोड़कर हम सीधा अपने फोकस करते हैं वर्ण पे, क्योंकि देखिए हिंदी क्लास है तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा हमारे लिए। वर्ण क्या होते हैं, वह मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके या फिर जिसके टुकड़े ना किए जा सके, मतलब एक मूल ध्वनि है ये। ठीक है, ध्वनि है, एक मूल ध्वनि जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसके टुकड़े ना हो सके, ठीक, एक मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके वो क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। ठीक है, अब इसके कुछ उदाहरण हैं, एग्जांपल देते हैं, जैसे कि आ का ख च छ त थ द ध य र श स आदि, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए एक और बात मैं आपको पहले बता देता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, एग्जाम में बैठे होते हैं और अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, या फिर हम वर्ण विचार सब पढ़ रहे हैं, इनके बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, स्वर के बारे में पूछना आ गया, तो वहाँ वो बोलने की कोशिश करने लग जाते हैं कि बोल कर देख लेते हैं शब्द को। अब मान लीजिए बोल के आप देख लो, आपका गला खराब हो तो कैसे आपका स्वर निकलेगा, क्वेश्चन बात करते हैं गला खराब हो तो कैसे स्वर निकलेगा। तो इट्स बेटर कि आप लोग इनको याद भी रखें कि भाई वर्ण क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, सब आपको याद रखने वाली बातें हैं। इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख लिख के बता रहा हूँ कि मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें उसको हम क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। अब वर्ण जो है इनकी टोटल संख्या कितनी है, तो इनकी कुल संख्या, कुल संख्या इनकी अगर देखें तो वो होती है आपकी 48। ठीक है, इनकी कुल संख्या 48 है। अब यहीं से हम बात करेंगे इसमें वर्णमाला की, कि वर्णमाला क्या है इसको देख लेते हैं एक बार। वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक, वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है।
और ये भी टोटल कितने हमारे, वही 48 हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये अलग हो जाएगा वो अलग हो जाएगा, नहीं भाई, वो जो वर्ण हो जाएगा उन्हीं का क्रम बस समूह करते हैं तो वर्णमाला कहलाएगा। और हम 48 की इनकी बात भी कर सकते हैं। और मैं कुछ आपको बता देता हूँ अलग से, ये इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको लिखवा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आ आ ई ई ऊ शी ए ए ओ और ओ। ठीक है, 11 स्वर। टोटल 11 है तो ये 11 हमारे स्वर हैं, स्वर यानी कि वॉवल्स। ठीक है, तो हिंदी में ये 11 स्वर चलते हैं। अब इसमें एक और चीज देखिए, एक आता है हमारा अंग और एक आता है हमारा अंग। ठीक है, ये जो दो शब्द हैं इनको हम बोलते हैं दो अयोग्य वाह। और ये क्या होते हैं मैं इसको आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, अभी क्रम वाइज चलेंगे तो मैं इसको आगे आपको समझाऊंगा कि अयोग्य वाह क्या होते हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरे नंबर पर हम समझेंगे कुछ स्पर्श शब्द होते हैं उनको, कि स्पर्श शब्द कौन कौन से होते हैं उनको समझेंगे समझेंगे हम लोग। तो ये जो सारे वर्ग हो गए इनको हम क्या बोलते हैं, देखिए इन सब को हम अगर आगे देखें तो इन सब का एक नाम मैं दे सकता हूँ, स्पर्श हैं ये आपके, क्योंकि ये एक दूसरे के स्पर्श से ज़्यादा बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें आकर समझेंगे कि वर्णों के भेद क्या क्या हैं, वर्णों के भेद हम लोग समझेंगे इसमें। तो ये शब्द देखिए, इनको आप एक बार नोट कर लीजिएगा चाहिएगा तो क्योंकि ये सीधा पूछ सकते हैं भाई कौन सा शब्द किस वर्ग का है, किस वर्ग समूह का है, और स्वर कितने हैं, अयोग्य वाह कितने हैं, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर होगा। अब हम आगे इसमें देखते हैं वर्ण के भेद कितने हैं। बेसिकली हम वर्ण भेद को दो प्रकारों में बांट सकते हैं, तो दो प्रकार में इसको विभाजित कर लेते हैं। पहला प्रकार है इसमें स्वर और दूसरा प्रकार इसमें है व्यंजन। ठीक है, तो स्वर और व्यंजन वर्णों के दो भेद हैं, एक है स्वर एक है व्यंजन। अब इनको समझेंगे कि स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं और इनका मतलब क्या है, ये क्यों जरूरी है, ये सब समझ लेते हैं हम लोग एक बार। तो पहले मैं बात करूंगा स्वर को लेकर के। देखिए, जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के, ठीक, जिन वर्णों के उच्चारण में बिना किसी रुकावट के मुख से हवा निकलती है, क्या है, वर्णों के उच्चारण में, उच्चारण में बिना किसी रुकावट के रुकावट के मुख से हवा निकलती है, ठीक है, वर्णों के उच्चारण करते समय अगर बिना किसी रुकावट के मुख से सीधा हवा निकले तो उसको हम क्या कहेंगे, स्वर की संज्ञा देंगे उसको हम। ठीक, अब आती है बात व्यंजन की, और पहले हम स्वर को समझ लेते हैं। तो स्वर की कुल संख्या कितनी है, तो ये 11 है। ठीक है, कुल 11 है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब इसमें देख लेते हैं व्यंजन को, बल्कि व्यंजन को समझने से पहले हम स्वर के ही कुछ और बातें समझेंगे कि
कि स्वर में और क्या क्या चीजें देख सकते हैं, फिर व्यंजन पर जाएंगे। ठीक है, पहले स्वर को डीपली समझ लेते हैं। देखिए स्वर के कुछ भेद हैं, स्वर के भेद, इन भेदों को समझ लेते हैं। तो स्वर के जो भेद हैं उनको तीन प्रकार में विभाजित कर सकते हैं हम। और तीन प्रकार कौन से हैं? पहला प्रकार इसमें कहलाता है आपका हस स्वर। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट वोवल ही बोलते हैं इसको। ठीक, दूसरा इसमें कहलाएगा आपका दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर यानी कि लॉन्ग वोवल्स। थर्ड इसमें कहलाएगा आपका प्लुप्त स्वर। स्वर इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड स्वर। प्रोटेक्टेड वोवल्स। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे कि ये है क्या क्या, क्योंकि वर्ण हमने समझ लिया। वर्ण में वर्ण के दो प्रकार हो गए, एक तो स्वर एक व्यंजन हो गया। और स्वर में क्या हो गया कि वर्णों के उच्चारण को बिना रुकावट के हम बोलते हैं, तो उसको हम क्या कहलाते हैं? स्वर, जब बिना रुकावट के मुख से हवा निकलती है। और ये कितने हैं? कुल 11 प्रकार के हैं। और इसमें किस प्रकार के भेद हैं? तो स्वर के भेद हमारे तीन प्रकार के हैं, हस्र स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। तो इनको समझ लेते हैं क्या क्या हैं ये। देखिए पहले देख लेते हैं हम हस्र स्वर को। तो इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, ठीक है, वो हमारा हस्र स्वर कहलाता है, यानी शॉर्ट वॉवल। और सीधी सी बात है, यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है कि शॉर्ट शॉर्ट वॉवल्स यही हो गए आपके, कि जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम स्वर लगता है। या फिर आप इसको वर्णों ना बोल करके सिर्फ स्वर ही बोलिए, क्योंकि हम स्वर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्वर कर लेते हैं हम लोग, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। वरना सभी बोलेंगे भाई वर्ण बोल रहे हैं आप, यहाँ स्वर की बात चल रही है, तो यहाँ पे क्या स्वर लेते हैं हम। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट स्वर। अब इनमें मूल स्वर भी होते हैं, इनकी संख्या कितनी है? चार है इनकी। ठीक है, कुल संख्या इनकी कितनी है? कुल संख्या की चार है। और चार कौन कौन सी है? ये चार हैं आपकी अ ई उ ऋषि। ठीक है, ये चार प्रकार के आपके हस्र स्वर आते हैं। अब इसके बाद में हम देखेंगे दीर्घ स्वर कौन से हैं। दीर्घ स्वर देखिए यहां क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय लगता है, उसको ऐसा कर लेते हैं, दुगना समय लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर देते हैं उसका नाम। ठीक है, अब दुगना समय कैसे भाई? जो हास स्वर है इसमें जो कम समय लगा उसका डबल समय आप मान लीजिए, तो वो हो गया हमारा क्या? दीर्घ स्वर, यानी कि दुगना समय लगा। और इनकी संख्या कुल सात है, इनकी कुल संख्या सात है। और सात कौन कौन सी हैं? ये अ ई उ ए ए ओ ओ। ठीक है, ये सात जो हैं ये दीर्घ स्वर की संख्या है आपकी। अब हम इसमें देख लेते हैं अगला लुप्त स्वर,
ये क्या है, इसको यहीं देख लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। अब 3 गुना समय किससे, ये भी हस्र स्वर से ही काउंट होगा 3 गुना समय, ठीक है। तो हस्र स्वर से जिनमें 3 गुना समय लगता है उनको हम क्या बोलते हैं, लुप्त स्वर। अब इनका निर्देशन करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे एक 3 का अंक लगाने की परंपरा है, ठीक है। इसमें से लिख लेते हैं, इनका निर्देशन या फिर निर्देशक करने के लिए संस्कृत में स्वर के आगे, ये देखिए ऐसे 3, ठीक है, ये जो शब्द है ना इस पर ध्यान दीजिएगा, 3 अंक लिखने की परंपरा है। परंपरा है, ठीक। अब इसके मैं कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। आपने पहले शब्द देखे होंगे, लिखे रहते हैं ओम, ठीक है, या फिर राम, शिव, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार के शब्द हैं जो पहले संस्कृत में ऐसे लिखे रहते थे, यहां पर ये शब्द यूज हो रहा है, ये राम में, शिव में, तो ये शब्द यूज हो रहा है। इसका आजकल उपयोग बंद सा हो गया है, बहुत कम हो गया है, ना के बराबर हो गया है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि आजकल ये जो शब्द है इसका प्रयोग ना के बराबर है, या फिर हम नहीं के सीधे लिख देते हैं इसमें कि आजकल ये जो शब्द है 3 का प्रयोग नहीं किया जाता। तो इस बात को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि आजकल इस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि ये शब्द है जोड़ा जाता है, चलता था पहले, तो इसलिए मैंने आपको ये बताया कि इस शब्द की कितनी अपनी एक अलग पहचान है, इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो संस्कृत का जब हम यूज करते थे शब्द तो ये लिखा जाता था, अब ये बंद हो चुका है ज़्यादातर। स्वरों की मात्राएं, अब स्वरों की मात्राएं एक बार देख लेते हैं क्योंकि मात्राएं भी जरूरी हैं। देखिए जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं, ठीक है, जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। जब स्वर व्यंजनों के साथ लिखे जाते हैं, मिलकर लिखे जाते हैं, जाते हैं, तो उनकी मात्राओं का ही प्रयोग होता है, ही प्रयोग किया जाता है, ठीक। स्वरों की जब मात्राएं हमें प्रयोग करनी होती हैं तो हम कह सकते हैं कि जब स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर लिखे जाते हैं तो उनकी मात्राओं का ही प्रयोग किया जाता है। अब ये मात्राएं कौन कौन सी है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए हम स्वर लिखते हैं और यहाँ इनकी कुछ मात्रा लिख लेते हैं।
ठीक है। देखिए स्वर में है आ, इसकी मात्रा हो गई आ, उदाहरण भी ले लेते हैं कुछ, ठीक है उदाहरण ले लेते हैं। तो उदाहरण में आ गया आपका शब्द जैसे दादा, ठीक, माला, राजा, ये शब्द क्या रहता है आपका ई, और ये होगा इसकी मात्रा। इसमें हम बात करते हैं कवि की, मति की, हरि की, ये शब्द आ सकते हैं। उसके बाद हो गया आपका ई, यानी कि बड़ी ई की मात्रा आपकी ऐसे हो गई, ठीक। तो इसमें आपका आ सकता है नीली, लीची या फिर भीगी। कुछ और मात्राएं भी हैं जैसे कि ऊ। अब ऊ की मात्रा कौन सी हो गई, हो गई छोटे ऊ की मात्रा आपकी, और इसमें क्या आता है कुल, पुल, सुत, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। ऊ ये ऐसे हो गई मात्रा ऊ की आपकी। पूत, सूरत, फूल। अगला ऋषि, और इसकी मात्राओं को हम ऐसे देखते हैं जैसे ठीक है। अब इसको समझने के लिए आप देखिए समझिए कृपण, कृपाण, कृषक, ठीक है। अगला हम समझ लेते हैं ए, इसकी मात्रा में हम ऐसे करके ऐसे गिरा लेते हैं लड़का, तो ये होती है ए की मात्रा, सिंगल ए की मात्रा आती है ना ऊपर, तो जैसे मेरे, तेरे या केले, ठीक। फिर आता है आपका बड़े ए की मात्रा, तो इसमें हम दो बार ऐसा करके गिरा लेते हैं, हालांकि ये मिली हुई होती हैं, तो आप सब जानते हो मिली हुई होती हैं वो अलग बात है। ए की मात्रा ये हो गई बड़े ए की, छोटे ए की ये हो गई। अब आते हैं इसमें ओ की मात्रा, ओ में ही हो गया। अब इसके उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि ओस, मोर, चोर, ठीक। इसमें आता है ओ, इसमें हम दो मात्राओं की जिक्र करते हैं ऐसे, तो इसको हम उदाहरण देते हैं औरत, लौट या चौरस, ठीक। तो ये हो गई आपके कुछ विशेष प्रकार के जो स्वर हैं उनकी मात्राएं हैं और उनके उदाहरण मैंने आपको दे दिए, ठीक है। क्योंकि स्वरों की जो मात्राएं होती हैं उनका व्यंजन के साथ कैसे उपयोग होता है ये आपको समझना जरूरी था, तो इन मात्राओं के माध्यम से आप इन चीज़ों को समझ पाओगे। हालांकि देखिए लेक्चर थोड़ा सा बोर्ड लगेगा आपको, लेकिन अब भी फिलहाल बोर्ड लगेगा, आगे अगर धीरे धीरे इंटरेस्टिंग होता जाएगा ये, ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझिएगा इन चीज़ों को। अब देखिए इसमें कुछ विशेष बातें जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ विशेष लिख रहा हूँ, विशेष बात क्या है, विशेष में जान लीजिए। देखिए जो शब्द है आ, ठीक है, ये शब्द जो है तो आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं आ की मात्रा नहीं होती है, ये ना है, अब देखिए इसकी जब कोई मात्रा नहीं है तो एक कैसे उच्चारण किया जाता है इसका, तो आ स्वर की सहायता से ही सभी व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, ठीक है। आ में स्वर की सहायता से ही सभी व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है, और जो आ सहित व्यंजन
जो लिखे जाते हैं, ठीक है, आ से जो व्यंजन लिखे जाते हैं उनको मैं आपको बताता हूँ कि कैसे लिखे जाएंगे। जैसे कि च, छ, ज, झ, ण, ठीक, आदि कर देते हैं इसके आगे। तो ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो आ स्वर सहित व्यंजन की तरह से लिखे जाते हैं। अब इन सब में आ का भाव आ रहा है, चा, जा, छ। तो अब इनमें कोई मात्रा तो हमने उपयोग नहीं की कि भाई बड़े की मात्रा, छोटू की मात्रा, डंडा का, वो सब उपयोग नहीं की। लेकिन इनमें क्या है, ये स्वर है इसका भाव आ रहा है, तो ये ऐसा शब्द है एक। अब हम अगर आ स्वर सहित व्यंजन लिखना हो हमें, ठीक है, तो व्यंजन कैसे लिखेंगे? तो यहां मैं लिख देता हूं आ स्वर सहित व्यंजन, ठीक है। आ स्वर सहित व्यंजन हम कैसे लिखेंगे ये देख लेते हैं। देखिए चा है तो यूं ऐसे डंडा गिरा देंगे हम, छा है तो ऐसे, जा है ऐसे, झ और ण आदि कर देते हैं, ठीक। अब इसमें यहां पे क्या है, देखिए व्यंजनों के नीचे लिखने वाले लगने वाली जो मात्रा है, ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं मात्रा, तो नहीं बोलेंगे, तिरछी रेखा बोलेंगे, और इसका नाम हम क्या देते हैं, हलंत। ये जो इस प्रकार तिरछी रेखा है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हलंत, ठीक। तो जब भी आ स्वर सहित हमें व्यंजन लिखना होगा तो हम हलंत का उपयोग करेंगे, और अगर हमें आ सहित स्वर लिखना होगा तो फिर हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, स्वर लिखना और व्यंजन लिखना अलग अलग प्रक्रियाएं आ के साथ में। और जब भी मैं कुछ ऐसा विशेष लिखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं आपको ऐसी कुछ विशेष प्रकार की बातें बता रहा हूँ जिनका आपके लिए कहीं ना कहीं उपयोग करना या फिर उपयोग हो सकता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें। अब हम देखते हैं अयोगवा। आप सोचें ना भाई, मैंने आपको बताया था अयोगवा, ठीक है, दो प्रकार के बताए थे, तो अयोगवा क्या है इसको आप देख लेते हैं हम लोग। देखिए वर्णमाला में टोटल 48 शब्द हैं, ठीक है, और वो 48 जो वर्ण हैं उनमें से दो ऐसे हैं जो कि, एक तो आ, इसमें क्या आ रहा है आपका, ये बिंदु आ रहा है ऐसे करके, ठीक है, और एक होता है आ, यानी कि इसमें आपके दो आ रहे हैं विसर्ग, ठीक है। अभी जो है आ, इसको हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के जो बिंदु लगाते हैं इसको बोलते हैं हम अनुस्वर, अनु स्वर, ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्टेप से इसको बोलते हैं विसर्ग। तो टोटल जो वर्णमाला है उसमें हमारे कितने, 48 शब्द थे, ठीक। 48 में दो ऐसे शब्द हैं आ और आ जिनको हम अयोगवाह कहते हैं, जो स्वतंत्र गति ना होने के कारण स्वर नहीं कहे जा सकते, क्योंकि इनकी अपने कोई स्वतंत्र गति नहीं है, ठीक। अयोगवा क्या है, स्वतंत्र गति ना होने के कारण इनको स्वर नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे अयोगवा। 48 में दो अयोगवा है, आ और आ, इसमें अनुस्वर और विसर्ग का उपयोग होता है, इसीलिए इनकी अपनी कोई स्वतंत्र गति नहीं है, और स्वतंत्र गति ना होने की वजह से हम इनको अयोगवा कहते हैं, स्वर नहीं कहते, ठीक। तो ये होते हैं आपके अयोगवा। देखो अनुनासिक, स्वरों का उच्चारण केवल मुख से होता है, हम ये बात जानते हैं, ठीक है,
स्वरों का उच्चारण हम लोग मुख से करते हैं, लेकिन जैसे कि शब्द में ही है अनुनासिक, दो दो शब्द आ रहे हैं इसमें आपस में, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि जिन स्वरों का उच्चारण में हवा के साथ साथ नसिका से भी हवा निकलती है, ठीक है, मतलब नाक का भी हम उपयोग करते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे हम, अनुनासिक स्वर, ठीक है। हम लोग बेसिकली क्या जानते हैं कि स्वरों का उच्चारण मुख से होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं इसको कि स्वरों का उच्चारण और साथ ही साथ हवा नसिका से भी निकलती है। तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनुनासिक शब्द, ठीक है, अनुनासिक स्वर। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे इसके हंसना, दांत, ऊंचा, अंधेरा आदि, ठीक। तो हंसना, दांत, ऊंचा, अंधेरा आदि, तो ये जो शब्द का हम उच्चारण करते हैं, तो इसमें मुख से हवा के साथ साथ नसिका से भी हवा निकलती है, तो इन्हीं शब्दों का हम इसलिए बोलते हैं अनुनासिक। और एक शब्द इसमें आता है आपका अनुस्वर, अनुस्वर। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हम केवल नसिका से निकलने वाली हवा का उपयोग करते हैं, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं इसको कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल नसिका से निकलती है, उनको हम अनुस्वर कहते हैं। उच्चारण करते समय हवा केवल नसिका से निकलती है। ठीक, अब इसके कुछ उदाहरण भी हैं, तो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए, इनमें खास बात होती है, इन पे अंक चिन्ह लगाया जाता है खास तौर पे। देखिए, ये इसमें ऐसा चिन्ह होता है यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है, तो हम चिन्ह को केवल ये समझते हैं, ये चिन्ह, इसको हम बोलते हैं अनुस्वर, जो मैंने आपकी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है, अनुस्वर का चिन्ह लगा होता है। तो अब इसमें उदाहरण क्या क्या आएंगे इसके, कि जैसे हम डाल देते हैं, जैसे हम देखते हैं इसको, कंठ, मंत्र, तंत्र, अंगूर, ठंडा, कंघी, ठीक है, आदि। तो ये हो गए आपके अनुस्वर। अब एक प्रकार देखा जाए तो अनुस्वर और अनुनासिक, ठीक है, अनुनासिक पूरा शब्द कर लेते हैं इसको, इनमें अंतर क्या है दोनों के बीच में, एक बार अंतर को और देख लेते हैं। देखिए, अनुनासिक में हवा नासिका और मुख दोनों से निकलती है, भाई इसमें जो हवा है उसमें नासिका और मुख दोनों का प्रयोग हो रहा है, ठीक, जबकि अनुस्वर जो है इसमें उच्चारण करते समय हवा केवल नसिका से निकलती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने दिखाया कि हंस के उच्चारण में हवा केवल नसिका से निकलती है, ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों में थोड़ा सा हम अंतर देखने को मिलता है।
एक में नसिका और मुख दोनों की बात है और एक में नसिका की बात है। अब देखिए मैं एक जैसे आपको दो शब्द दिखाता हूं एग्जिट। एक है हंस और एक है हंस, ठीक है। ये दो जो शब्द हो गए, हालांकि शब्द देखने में एक जैसे हैं लेकिन मैं थोड़ा सा फर्क है, और फर्क क्या है, एक में हवा केवल नसिका से निकलती है और नसिका तक किस में निकलती है, इस वाले में, हंस में, ठीक है। और एक में हवा जो निकलती है वो नसिका और मुंह दोनों से निकलते हैं। ये जो हंस मैंने लिखा इसमें हवा नसिका और मुंह दोनों से निकल रही है, ठीक है ना, इसमें दोनों से निकल रही है और इसमें केवल एक से निकल रही है। तो ये दोनों के बीच में खास अंतर है, ठीक। तो आप जब भी हिंदी लिखते बहुत सावधान रहिएगा कि भाई आप केवल हंस लिख देते हैं तो उच्चारण में हालांकि ये थोड़ा सा एक जैसे लगते हैं, और जिसका गला खराब है उसके लिए तो ज़्यादातर एक जैसे लगेंगे, ठीक है। तो ऐसे गला खराब होने वाली अवस्था में इसको मत देखिएगा, सिंपल एक नॉलेज और जानकारी के तौर पर इसको लीजिएगा, ठीक है। और देखिए मैं पहले बता रहा हूँ कि अभी थोड़ा सा लेक्चर जो हिंदी के चल रहे हैं ना, इसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज देने के टाइम पर थोड़ा बोरिंग लगते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप जब थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको पहुँच जाएगी ना, और कोई भी स्टूडेंट इसको अपने ऊपर केवल एक पर्सनल स्टूडेंट पर मत लेके देखेगा कि अरे क्या बता रहे हैं ये वो, क्योंकि कुछों को आता है कुछों को नहीं आता है। तो ये जो वीडियोज़ बन रही है हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू सबको देख के सबको ध्यान में रख के बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए बेसिक बातें सब समझानी बतानी जरूरी होती हैं, हर एक पॉइंट का अपना अलग महत्व है। अब इसके बाद हम लोग व्यंजन की बात करेंगे कि व्यंजन कितने प्रकार का, तो हम सबको देखेंगे।